अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं चाचा अला मिलियनेयर। आपको मैंने बहुत सारे वीडियोस में सजेस्ट किया कि आप फूड पैंडा, उबर ईट्स वगैरह वगैरह के लिए डिलीवरी करना शुरू कर दो। अगर आप स्टूडेंट हो, आपको शाम में कुछ काम चाहिए, आप दिन को नॉर्मल जॉब करते हो, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो ये जॉब मैं रेकमेंड करता हूँ। इसके एग्जैक्ट डिटेल्स मुझे पाकिस्तान के बिल्कुल नहीं पता, लेकिन फिदा भाई यहाँ पे इनका जिक्र मैं दो बार अपने वीडियोज़ में कर चुका हूँ। वो बंदे हैं जो दिन में मेरे साथ काम करते हैं, मेरे साथ से मुराद मेरा एक हॉस्टल है इंस्टीट्यूट का, अली अख्तर साहब के अंडर ये काम करते हैं, ही वर्क्स एज ए सिक्योरिटी वगैरह, ठीक है, उसकी देखभाल करते हैं। शाम को मुझे इतनी खुशी जब इनको मैं मिला कि ही डज फूड पैंडा। इनसे आप सीखेंगे एंड मे बी यू कैन, ये आपके लिए वायबल ऑप्शन हो जाए। फिदा भाई, इसको रजिस्टर करना करने का कोई खर्चा आता है? नहीं सर, पहले 1000 रुपये सिक्योरिटी लेते हैं, बस उसके अलावा कोई नहीं आता। 1000 रुपया सिक्योरिटी लेते हैं, वो वापस हो जाएगी? जी, जब आप काम छोड़ देंगे वो वापस कर देते हैं। इसके साथ रजिस्टर कैसे होते हैं? रजिस्टर सर, ये ऑफिस जाना पड़ता है, उसके लिए आईडी कार्ड की जो है ना, अपने आईडी कार्ड के, वालिद साहब के और घर के बिल्स की इनकी कॉपी जमा करानी पड़ती है। फिर वो क्या, आपको एक हफ्ते का टाइम देते हैं, एक हफ्ते के बाद बुला के ना वो आपके इंटरव्यू देते हैं, फिर उसको आपको तरीकाकार बताते हैं कैसे आपने काम करना है। फिर जिस दिन आप वो आपको बुलाते हैं उसी दिन आपके मोबाइल में वो ऐप आपको इंस्टॉल करके देते हैं। वो क्या बाइक आपको देते हैं? नहीं जी, वो अपना होता है, सारा बाइक अपना होता है। पहले शुरू पे भी ये कहते हैं कि अपनी लाइसेंस की कॉपी भी जमा कराएं, अगर नहीं कराते तो आपको 2 महीने का टाइम दिया जाता है कि 2 महीने के अंदर आपने लाइसेंस बनवाने पर उसके बाद कॉपी आपने व्हाट्सएप वगैरह या किसी के जरिए आपने हम तक पहुँचानी है। अगर ना पहुँचाए फिर आपको जो है ना डिस्कनेक्ट कर देते हैं, वो फिर आप काम नहीं कर सकते। ये स्मार्टफोन और जो इंटरनेट पैकेज होता है वो आपका खुद का होता है या कंपनी देती है? जी वो खुद अपना होता है जी, पैकेजेस भी आप खुद कराने पड़ते हैं। दो पैकेज कराने पड़ते हैं, एक इंटरनेट के तो एक कॉल के, क्योंकि कस्टमर को कॉल भी करनी पड़ती है, कई बार इंटरनेट के जरिए लोकेशन गलत भी हो सकती है, ठीक है, दोनों भी। उसके बाद बाइक, पेट्रोल, टोटल अपना होता है सब कुछ। ये जो यूनिफॉर्म आपने पहना हुआ है जी, यूनिफॉर्म ये फ्री देते हैं, पहली बार ये बैग देते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो कहते हैं हर हफ्ते हफ्ते बाद हमारी पे आती है ना, तो हफ्ते में जो है ना 500 रुपये काटते हैं, 5 हफ्ते भी बैग के 2500 रुपये काटते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है ना जी। जी, और बाद में ये बैग आपका हो जाता है? जी जी, बाद में इसके, तो ये हमें नहीं बताया गया कि बाद में आपका होगा या नहीं होगा, फर्स्ट टाइम उन्होंने यही डील पे जब हमें ट्रेनिंग देते हैं ये बताते हैं कि हमने 5 हफ्ते आपके 500 रुपये के हिसाब से। अच्छा, पहले 5 वो चीज़ आपकी होगी, ठीक है, फिर यानी आप खुद इसके जिम्मेदार होगी, दैट्स गुड। ट्रेनिंग कितना अर्सा लगता है? ट्रेनिंग में सर वो आप बुलाते हैं, वो सिर्फ 2-3 घंटे आपको ट्रेनिंग देते हैं, बस वो अब समझाते हैं आपने कैसे करना है, कहाँ से उठाना है और कैसे उठाना है, कस्टमर्स के साथ कैसे डील करनी है आपने, और चीज़ को जब आपका मतलब कस्टमर आपके साथ रब्ता नहीं हो सकता फिर आपने किस तरह आपने हमें बताना है, फिर हमने उसको आगे हम डील कर लेंगे। ठीक है, आपकी मंथली इनकम क्या होती है? सर शुरू पे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ छुट्टियां थी, आपको भी पता है जी, जो अगर आप फुल टाइम दें ना तो कम से कम भी कुछ भी ना 35 से 40 हज़ार आप महीना का कमा सकते हैं इसमें। माशाल्लाह जी, मैं सेकंड टाइम करता हूँ लेकिन मेरी जो है ना 20 से 22 तक चली जाती है। ये याद रखिए, जो इन्होंने इनकम बताई है ये छोटे शहर की बताई है, आप बड़े बड़े शहरों में हो। यहाँ पे कुल टोटल मीरपुर में कितने ऑर्डर्स होते हैं? हम तकरीबन 2 दिन पहले ये बैठ के मीटिंग हो रही थी, उन्होंने कहा था कि मीरपुर में 300 से 350 ऑर्डर होते हैं, लेकिन हमारे जो कहते हैं कि बड़े शहरों में, जैसे आप लाहौर का मैंने जो 3 दिन पहले बताया था कि कम से कम 4000 या 4500 ऑर्डर दिन के होते हैं कम से कम। जी, तो उसके बाद इस्लामाबाद में मेरे एक दोस्त है वो भी यही काम करता है, वो कहता है मैं अपने कभी पे को नहीं देखा क्योंकि हमारी जो कमीशन है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं खाली टिप के एक दिन में बताऊँ ना मैं 3000 से 3500 में रोज़ की टिप कमा लेता हूँ। माशाल्लाह, बड़े शहरों के ये कमाल है, इसलिए कहता हूँ कि अपने इलाके में देखो आपका कितना बड़ा शहर है, इफ़ यू हैव टू मूव यानी घंटा ट्रैवल करके भी जाना पड़ता है तो जी बिस्मिल्लाह, हम वैसे ही नौकरियों के लिए जाते हैं, सो ये जहन में आप रखिएगा। अपना लंच टाइम ज़्यादा बिजी होता है या रात का टाइम ज़्यादा बिजी होता है? ये सर ये ज़्यादातर शाम को होता है, ठीक है जी, क्योंकि यहाँ 12 बजे जो ऐप ओपन हो जाता है, खासकर मीरपुर के ही है, लेकिन उस टाइम जो है ना इतने रश नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 ऑर्डर हमें उस दौरान आ जाते हैं, लेकिन असली काम शुरू होता है 3 से लेकर रात के 9-10 बजे तक। माशाल्लाह, इन्होंने कहा मीरपुर, याद रखिएगा हम मीरपुर शहर में, छोटा शहर है, हमने आई एम प्रीटी श्योर, 1 सेकंड, माजिद, हैव वी ऑर्डर्ड फूड पांडा इन द मॉर्निंग इन लाहौर? यस, तो हमने लाहौर में एक्चुअली फूड पांडा इस्तेमाल किया हुआ है सुबह 10 बजे। दैट मींस के हर शहर की अपनी अपनी
वो टाइमिंग होती है, एंड आई एम प्रीटी श्योर बड़े शहरों में हमने मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया हुआ रात के 1 बजे, वो भी चलता है, आई थिंक इट वाज इन रावलपिंडी। सो अपने शहर के मुताबिक आपकी ऐप जो है ना आपको मौका देगी पैसे कमाने का। क्या आप उनके मुलाजम बन जाते हैं या आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कमीशन पे? जी कमीशन पे चलता है सर, हम उनका मुलाजम नहीं होते, वो आम जितना काम करते हैं हमें उतना फ़ायदा होता है, हमें हर ऑर्डर पे ना पर ऑर्डर पे हमें सिर्फ वो कमीशन देते हैं। ठीक है, काम करें तो ठीक है, ना करें तो उनका कोई मतलब ताल्लुक नहीं होता। ये कमीशन कितनी परसेंटेज होती है सर? ये डिफरेंट होती है, अगर आप थोड़े नज़दीक है तो उसे मतलब 37 रुपये से लेकर ना 128 रुपये तक जाते हैं, ये आप जितने किलोमीटर आप जाते हैं उस हिसाब से आपको मिलते हैं। जी मिलिनेयर, मैं इसको ना ऑलमोस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड कहूँगा, बिजनेसमैन कहूँगा, अपनी मर्जी से ब्रेक ले सकते हो, अपने ग्राहक चूज कर सकते हो, किस इलाके जाना है, किस बाइक पे जाना है। सो बिजनेसमैन हमारे साथ बैठे हुए हैं। फर्ज करिए आपने बताया कि 37 रुपये से 128 रुपये तक होती है, अगर आपको 128 रुपये वाली गिग मिल जाती है, ऑर्डर मिल जाता है, उसमें बचत कितनी होगी? सर उसमें कम से कम भी कुछ भी ना हो तो ना 50 से 70 रुपये बच जाते हैं, पेट्रोल सारा खर्चा निकाल के। माशाल्लाह जी। कभी ऐसे हुआ है कि दो ऑर्डर्स आगे हों उसी इलाके में? इसमें ये होता है कि मतलब एक रेस्टोरेंट एक ही होता है, ऐसा होता है कि राइडर्स कई बार बिजी होते हैं या नहीं होते, हमें एक 4-5 बंदों ने OPTP से ऑर्डर कर दी है, ठीक है, राइडर नहीं है तो वो 5 ऑर्डर मुझे आएंगे, ठीक है, उनका नाम उनका बायर डेटा सब कुछ मेरे पास होगा, हमने उठाने एक जगह से होते देने, कई बार ऐसा भी होता है कि एक बंदा 3-3-4-4 ऑर्डर करता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है वो कुछ ज़्यादा मतलब कस्टमर अलग अलग होते हैं, वो ऐसा भी होता है हमारे साथ। लेकिन एज ए बोनस ये भी होता है, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में डिलीवरी किया करता था, कि अचानक एक ही गली में, एक ही मोहल्ले में, एक ही एरिए में 2-3 ऑर्डर्स आ जाते हैं और वहाँ पर मेरी बचत हुआ करती थी। ज़ाहिर है ऐसा भी होता है हमारे साथ। बिल्कुल। कभी टिप्स मिलते हैं? जी सर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह को। ऐसा भी होता है कि कई बार हमें मतलब पैसे के हिसाब से होता है, जैसे एक ऑर्डर है वो 100 रुपये से कुछ पैसा होता है, कुछ पैसा होता है, फिर हमने उनसे 110 रुपये मांगने होते हैं, एक तो वो फालतू मिल जाते हैं, दूसरी बात कई लोग अपनी खुशी से 50-100, कई लोग ऐसे होते हैं हमें 500-500 रुपये भी टिप दे जाते हैं। अल्लाह उनको बहुत है जो ऐसे करते हैं माशाल्लाह। क्या उनका कोई मिनिमम घंटे होते हैं कि आपको कम से कम इतना घंटा हमारे लिए या इतनी डिलीवरीज महीने में? सर वो हमें ये होता है कि पहले दिन हमें बताया जाता है कि आपने नेक्स्ट हफ्ते के पहले आपने शिफ्टें उठानी है, ठीक है, वो अपनी मर्जी होती है, इनके जो टाइमिंग शुरू होती है दिन के 12 से लेकर रात के 11 बजे तक 11 घंटे, फिर वो हमें एक हफ्ता पहले वो मैसेज करते हैं कि शिफ्टें आ गए हैं, अपनी मर्ज़ी से आप शिफ्टें उठाएं, ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम से उठाते हैं 12 से लेकर रात की 11 बजे तक वो आपकी मर्ज़ी है, या आप बीच में जो है ना कोई और जॉब करते हैं या कोई और मसला है आप उसके बाद जिस टाइम आपका वो शिफ्टें होती हैं वो शिफ्टें उठानी। अगर आप फर्ज करिए एक महीना कोई शिफ्ट ना उठाएं तो कोई गिला तो नहीं होगा उनका? नहीं नहीं उनका कोई शिकवा गिला नहीं होगा, तो उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, आप काम आप शिफ्टें उठा के ना फिर काम ना करें तो फिर आपको जो है ना वो कहते हैं कि जी इस पर कंपनी का नुकसान होता है या उस वो आपसे रब्ता करते हैं, अगर शिफ्टें आपने ना उठाई फिर उनको कोई मसला नहीं है। ठीक। ऑर्डर आपको कैसे मिलता है? सर जो उन्होंने ऐप हमें डाउनलोड करके दी होती है उसमें हमें एक मैसेज आता है, जो क्योंकि पहले हमें जो है ना मैसेज आता है कि जी आपकी शिफ्ट स्टार्ट हो गई है, ठीक है, फिर हमें स्टार्ट करने के लिए ना उसको जो ना पहले हमें चंद प्रोसेस होते हैं वो हम मुकम्मल करते हैं, उसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाते हैं शिफ्ट, ऊपर लिखा होता है आप वर्किंग हो गए हैं, उसके बाद मैं मिसाल के तौर पर कोई बंदा मैसेज खाना डिलीवर करता है जिस रेस्टोरेंट का वहाँ पे भी मैसेज आता है, फिर रेडर यानी या मैं या किसी और के पास मैसेज आ जाता है कि आपको जो है ना फलानी जगह से इतनी बचत है, उसके ऊपर लिखा हुआ था टोटल सारे डिटेल्स लिखे होते हैं अपनी फलानी जगह से उठानी, उसके लिए 40 सेकेंड हमें दी जाती है, अगर 40 सेकेंड में आपने वो एक्सेप्ट कर लिया तो आप वो ऑर्डर उठा सकते, एक्सेप्ट नहीं किया फिर वो ऑर्डर खत्म हो जाते हैं किसी और के पास चला जी किसी और राइडर के पास चला जाता है। बेहतरीन सिस्टम है जी, यानी जिस तरह ऊबर चलती है वो वैसा ही है। अगर फर्ज करिए आप किसी के यहाँ ऑर्डर डिलीवर दे देते हैं और अगला पैसे ना दे आपको, फिर उस सिलसिले में उसमें क्या आपने करना? सर ये कई लोग ऐसे होते हैं ऑनलाइन पे करते हैं, ठीक है, और कई लोग जो है ना अभी तक तो मेरे साथ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने हो गए हैं ऐसा कोई इशू नहीं आया मेरे साथ, लेकिन उन्होंने पहले दिन बताया कि ऐसा कोई मसला होना तो आप लोगों ने कस्टमर के साथ ऐसे कोई बात नहीं करनी, वो हमें बताना है हम खुद डील करेंगे उनके साथ। अच्छा फिदा भाई एक ऑर्डर के आपके कितने एवरेज टाइम लग जाता है, यानी उठाना और उसको डिलीवर करना? सर कई बार हमें 1/2 घंटा लग जाता है, कई बार उससे ज़्यादा भी लगते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्डर होते हैं वो तैयार होने में टाइम लगता है, जैसे मतलब किसी ने कढ़ाई कर दी
उसका टाइम है, या किसी ने बर्गर कह दिया उसके कम टाइम है, खाना ज़्यादा है। अब कई लोग करते हैं बिरयानी, बिरयानी रेडी होती है, हमने बस ऑर्डर उठाना होता है और जाके देना होता है। ज़्यादातर हमें जो है ना बड़े ऑर्डरों में थोड़े इशू हो जाते हैं कि जैसे पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़े में टाइम लगता है, उसके बाद पिज़्ज़ा के साथ बर्गर है, दो पिज़्ज़े हैं, चिप्स हैं, ये चीज़ें तैयार करने में एक ऑर्डर में ज़्यादा चीज़ें होना उसमें टाइम लग जाता है फिर। ठीक, ये ऐप आपको बताती है कि कितना वक्त लगेगा खाने को तैयार होने सर में? वैसे फूड पांडा जो है ना वो टाइम लिमिट देती है कि आपको इतनी देर में जो है ना, ये हमें नहीं देती, ये जो रेस्टोरेंट के देती है कि आपने इतने 15 मिनट 20 मिनट या 25 मिनट आपने ये चीज़ ऑर्डर रेडी करके आपने रेडर को देना है, फिर रेडर ने वहाँ पे पिकअप डालना होता है। जब इतनी देर में रेडर पिकअप नहीं डालता फिर वो रेडर के फ़ोन पे मैसेज ऐप पे मैसेज आता है कि जी और कितना टाइम है, फिर हमें उस रेस्टोरेंट वाले से पूछना पड़ता है भैया आप बताएं और कितना टाइम डालूं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, वो हमें बताते हैं कि इतने मिनट और डाल दो, फिर हम डाल देते हैं। ऐसा कोई सिलसिला है अच्छे रेस्टोरेंट्स और बुरे रेस्टोरेंट्स, यानी फास्ट फूड मैकडॉनल्ड्स वगैरह, ये जो ये मैं सब तो अच्छे होंगे क्योंकि इनकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त है, ओपीटीपी हो गया? बिल्कुल जी ऐसा है, लेकिन मसला ये है कि जो छोटे हैं ना, छोटे जैसे बिरयानी वाले हो गए हैं या छोटे फास्ट फूड वाले हो गए हैं, ये ज़्यादा तेज़ हैं उन पर। बड़े रेस्टोरेंट पे बड़े ऑर्डर लगते हैं, छोटे रेस्टोरेंट पे छोटे चीज़ें लगते हैं। चिप्स है वो आपको पता है इतने टाइम नहीं लगता, लेकिन पिज़्ज़ा में ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब जैसे किसी ने जनाब खाली बर्गर ऑर्डर किया है, वो फास्ट फूड या चाट वगैरह ये चीज़ें तैयार होती हैं, हमें जाके खाली पिकअप करना था, या किसी ने आप बड़े चीज़ें जैसे नफीस में किसी ने कहा है कि जी हमें फुल कढ़ाई चाहिए, उसके लिए तो कम से कम 20 से 25 मिनट आधा घंटा मस्ट है। ठीक है, लग जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं। कढ़ाई वालों इनको बड़े बड़े टिप्स दिया करो, ठीक है ना, आपके लिए ज़्यादा ख्वार होते हैं। क्या आप इनको रेकमेंड करेंगे कि आप फूड पांडा को ज्वाइन करें? जी बिल्कुल जी, आप मैं तो कहता हूँ कि जो खास करके जो स्टूडेंट लोग हैं ना वो फर्स्ट टाइम ज़्यादातर पढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड टाइम हमारे पास ऐसे भी हैं चंद रहते हैं जो सुबह वो अपने पढ़ाई मुकम्मल करें, सेकंड टाइम हमारे साथ काम करें। मैं तो यही कहता हूँ कि करें, इसमें बहुत फ़ायदा है, बहुत मेरे खास करके मेरी नज़र में तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि फूड पांडा ऐसी चीज़ है इसमें आपको शुरू पे अगर थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन बाद में जो है ना सिर्फ बचत ही है, इसमें खर्चा इतना कुछ भी नहीं है। और कॉन्टैक्ट्स भी बहुत सारे मिलते होंगे मिलने के लिए, यानी बहुत सारे बंदों से आप मिलते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिन में हमें तो कई ऐसे बंदों से मिलते हैं, कहीं हमें आप फैमिली भी मिल जाते हैं, हमें जो है ना ऐसे मैं जाता खास करके मैंने देखा है कि जब से मैंने ये काम किया है ना तो ज़्यादातर लोग मुझे इज़्ज़त देने लगे हैं, जो मुझे कोई जानता नहीं था वो आज भी मुझे जो है ना मेरे आप करके बुलाते हैं, खास करके जिस घरों में आप जाते हैं बड़े प्यार से पेश आए कि रेडर आ गया है। माशाल्लाह जी, मिलिनेयर दो टिप मेरी तरफ से हैं। पहला ये है कि आप मोटरसाइकिल लेके लोगों को फुल टाइम तनख्वाह दे के इस काम पर लगवा सकते हो, जो उनकी फूड पेंडा वाली कमाई हुई वो आपकी उसमें से ज़ाहिर है यू विल गिव द राइडर एज वेल, या आपकी वो आपका फुल टाइम बिजनेस बन सकता है। सस्ते सस्ते मोटरसाइकिल उठाते जो 10 20 12 बंदों का फ्लीट बना दो, अल्लाह हर सलाह, ये मैंने दुबई में देखा है, उबर ईट्स वाले सिस्टम को इस्तेमाल करके लोग करते हैं। जो टिप्स हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं होता, तो वो आपके राइडर्स के खुद के होंगे, बट खुद अगर आप देख लो शायद आपको बचत इसमें मिलती है कि नहीं। जिस तरह ये कह रहे हैं 35-40-45 हो सकता है, तो हिसाब लगाओ यार, अगर 20 किसी को दे रहे हो प्लस टिप्स और 20 आपका खुद बच रहा है ऑन अ बाइक जो शायद आपको 20,000 का मिला था, तो आई थिंक इट्स अ रियली वंडरफुल आइडिया। दूसरा टिप मेरा ये है कि पाकिस्तान में और मजीद फूड पैंडा जैसी ऐप्स निकल रही हैं, निकलती रहेंगी, बाइकिया हो गई वगैरह वगैरह, आप दोनों ऐप्स चलाएं। हु नोज़ के यहाँ से यार बंदा सफारी वाला आ गया, उसको ड्रॉप करना है, उधर से खाना डिलीवर कर दिया, वेले मत फिरना, दो दो तीन तीन ऐप्स गट्ठी रखना। मना तो नहीं है ना कि दो दो यानी कंपनीज के साथ इकट्ठा साइन अप होना? नहीं सर, उनको ये नहीं होता, उनको सिर्फ मतलब होता है कि जो आपने ऑर्डर आप तक पहुँचाया वो टाइम से आप उस तक पहुँचाएँ, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उससे पहले आप क्या कर रहे थे या उस दरमियान आप क्या कर रहे हैं, उनको कोई ताल्लुक नहीं इससे। जबरदस्त फिदा भाई, थैंक यू वेरी मच। मिलिनेयरो बहाने ख़त्म, बहाने ख़त्म, बहाने ख़त्म। ओके, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी आई होप मैंने सारा कुछ कवर किया है, इनका बहुत 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 शुक्रिया, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। और क्या कह सकते हैं, आई सी यू इन अनदर वीडियो इंशाल्लाह अनकरीब। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड अस्सलाम वालेकुम।